चुनाव को लेकर प्रचार अपने शवाब पर है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, हर वो हथकंडे अपना रहे हैं जहां पर लोग उनकी जनसभा को अटेंड करें, वहां पर जाकर शामिल हो। तो वहीं भोजपुरी हीरो हीरोइन का भी डिमांड जो है चुनाव प्रचार के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब भी कोई भोजपुरी हीरो या हीरोइन जनसभा को संबोधित करते हैं या फिर चुनाव का प्रचार करते हैं, वहां पर भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठित हो जाती है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान। जी हाँ, बीजेपी ने कई तरह के भोजपुरी हीरो का यूज किया अपने चुनाव प्रचार में, चाहे फिर हम बात करें बीजेपी सांसद रवि किशन की या फिर मनोज तिवारी या फिर निरहुआ की। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी सेम तरह की स्ट्रैटेजीज का यूज किया है। बता दें बीते दिन उन्होंने भी 3 से 4 भोजपुरी हीरोइनों का चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले आप सुनिए किन किन भोजपुरी हीरोइनों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। चुनावी रैलियों में भोजपुरी हीरो और हीरोइन का जलवा गजब का है। उन्हें देखने के लिए रैली में काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बीजेपी ने अपनी रैलियों में भीड़ बुलाने के लिए भोजपुरी हीरो का बखूबी इस्तेमाल किया है। वैसे भी बीजेपी के पास कई भोजपुरी सितारे हैं, और अब अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने भी भोजपुरी हीरो के बदले भोजपुरी हीरोइन को उतार दिया है। बता दें भोजपुरी अदाकारा भी अक्षरा सिंह तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। तो वहीं भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह बीते 26 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। अंजना सिंह हर दिन हेलीकॉप्टर के जरिए 3 से 4 जगह जनसभा कर रही हैं, और अब कल से यानी 31 अक्टूबर से भोजपुरी हीरोइन पाखी हेकरे और शुभी शर्मा भी चुनावी प्रचार करेंगी। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के लिए भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह, पाखी हेकरे और शुभी शर्मा एक साथ जनसभा करेंगी। बता दें बीजेपी जो है कई सारे भोजपुरी हीरो का यूज कर रही है चुनाव प्रचार करने के लिए। भले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहुत सारे भोजपुरी हीरोइनों का यूज करेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, बिहार की जनता इस बार किसको पसंद करती है। तब तक के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।